एक्सक्यूज मी मैडम, हाय। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मुझे नहीं लगता मुझे आपको नाम बताने की जरूरत है। नहीं, मैं तो बस पूछ रहा हूँ यार, नाम तो बता ही सकते हो आप। रिशिता इज माय नेम। रिशिता, यहीं के लोकल हो गए आप? हाँ मैं यार लोकल हूँ, और जनरली मैं पार्क में बैठने के लिए आती रहती हूँ। ओके, तो रोज़ सिगरेट भी पीती हो ऐसे ही बैठ के? बिल्कुल। पीनी चाहिए? मुझे नहीं लगता इसमें बुराई है, आजकल तो हर कोई जनरली पीता ही है। मुझे पता है मतलब पीता है, लेकिन आप बताइए आपको क्या लगता है, मतलब पीनी चाहिए? ये पब्लिक प्लेस है ना, आपको पता है। ये हर किसी की इंडिविजुअल सोच है ना, कि उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप उसे नहीं फोर्स कर सकते कि पीना है। नहीं, मुझे मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप ना पीजिए, आपको पीनी है आप पीजिए, लेकिन एक स्मोकिंग जोन में जाके पीजिए या अपने घर जाके पीजिए। लेकिन यहाँ पे भी ज़्यादा लोग नहीं है। मैं भी यहाँ तो मेरे ख्याल से आपके अलावा मैं पूरा पार्क घूम लिया, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया पीता हुआ आपके अलावा। और यहाँ पे शायद बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है, स्मोकिंग मना है अंदर। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे कोई नहीं है तो मैंने मैंने किया। लेकिन कोई क्यों नहीं है यार, काफ़ी लोग टहलते रहते हैं यहाँ तो। इतने दूर वो तो चल रहे हैं ना। अच्छा, आपके पास आपके पास से भी निकल सकते हैं? लेकिन जहाँ तक है मैं अकेली बैठी हूँ। अभी आप अकेले बैठे हो ना, आपका धुआं तो अकेला नहीं है, कहाँ कहाँ जा रहा है देख तो लो। वहाँ अंकल सो रहे हैं। हाँ जी, है ना जी। हो सकता है उनके अंदर जा रहा हो धुआं। तो आप चाहते हैं कि आप? मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सिगरेट फेंक दीजिए अपनी। आप होते कौन है मुझे ये बोलने वाले? अरे मैं तो सिगरेट है मैं, मुझे पता है आप मैडम, मैं कुछ आपसे बोल थोड़ी रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको फेंक दीजिए। आपका क्या जा रहा है इसमें? मेरी सिगरेट है, मैंने खरीदी है। अरे भाई आप मेरे पीछे क्यों पड़े? आपको कोई काम नहीं है क्या लाइफ में? यार मुझे यही काम रहता है। मैं पार्क में आओ मूड रिफ्रेश करने, अपने जॉब से परेशान हो गए, इतने सारी टेंशन है तो आप जैसे लोग दूसरों की लाइफ में क्यों? मुझे मेरी बात तो सुनिए मैडम, मैं आपसे कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। मेरी बहन समझी हुई है, वो यहाँ ऐसे स्मोक नहीं करती पब्लिक प्लेस पे, मैंने समझा रखा है उसको। चाहते क्या भाई साहब? मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सिगरेट फेंक दीजिए मैडम। और अगर मैं ना फेंकूं तो? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना आपसे। हाँ तो फिर रिक्वेस्ट किसी और से करिए ना, मैंने बोला। यहाँ पे ये अंकल जी जो है यहाँ पे लेटे हुए हैं, ठीक है? अरे भाई अंकल जी लगा के रखा हुआ है घंटे से आपने। अरे इनके यार धुआं जा रहा है अंदर, तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? क्या करूँ मैं, मेरी लाइफ है, मेरी, मैंने अपने पैसे से खरीदी है ना, कि आपके तो पैसे आप से कहीं और जाके नहीं पी सकती, मैं आपसे इतना बोल रहा हूँ सिर्फ। कहाँ जाऊँगा बताए? पब जहाँ पे लोग ना हो, पब्लिक प्लेस में ना हो। अब कोई हर जगह पब्लिक हिंदुस्तान में इतनी सारी हो गई है कि कहीं ना कहीं पब्लिक मिल। ऐसा नहीं है, स्मोकिंग जोन बने हुए होते हैं वहाँ, सब लोग पीते हैं, वहाँ पी लीजिए जाके यार। देखिए मैं अभी बहुत इरिटेट हूँ, ठीक है? मेरी लाइफ में बहुत सारी मैडम इरिटेट तो मैं भी हूँ बहुत ज्यादा, आपने तो मुझे और कर दिया यहाँ आके। मैं रिक्वेस्ट करने आया हूँ ना आपसे, इरिटेशन में मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आप सिगरेट फेंकिए ना। ये तो मैं नहीं फेंकूंगी, आप कर लीजिए, क्या करेंगे मेरा? मैं पुलिस को बुला लूंगा। हाँ तो बुला लीजिए, बुलाइए। देखिए प्यार से मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई प्यार से बोलिए आप, समझ से बोलिए, मुझे कोई मैटर नहीं करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको भारी पड़ सकता है, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, समझिए, मैं कुछ सोच के कह रहा हूँ। देखिए मिस साहब बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे, इरिटेट बहुत देर से कर रहे हैं आप। देखिए इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वरना मैं किसी को बुला लूंगा, फिर चालान कट जाएगा आपका। बुला लीजिए, जो चालान काटना कर लीजिए। और चालान क्यों कटवाना अपना, ये फेंकने की जरूरत है यार, 5 रुपए की 10 रुपए की सिगरेट आती है, कहीं और जाके पी लेना बाद में जाके। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी शाम हो रही है, मेरे पास नहीं है टाइम। तो यहाँ क्यों पी रही हैं आप? इट्स माय चॉइस ना, मैंने आपको बोला ना। तो मैं भी आपको प्यार से बोल रहा हूँ ना, रख दीजिए इसको, फेंक दीजिए। देखिए मैं फेंकने वाली तो हूँ, अब आपका जो मन करे, जो बन पड़े आपसे कर लीजिए। मैडम आप जानती नहीं है मैं कौन हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे आपको जानना भी नहीं, आप कौन है, क्या करते मुझे एक बात बताइए, सुनिए। आई हैव नो मैटर, मेरे को कोई बदर नहीं करता कि आप क्या हैं। मेरी बात सुनेंगे आप? बहुत बोल ली, एक अननोन बंदा आपके पास आके आपको बोलेगा, कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? किसी ने बोला है सिगरेट फेंक दो? बोला है? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं बोला ना, तो मैंने बोला है, तो कुछ तो क्वालिटी होगी, कुछ तो हूँगा मैं, या ऐसी आ गई आपके पास? देखिए मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है जानने में कि आप कौन हैं। मैं दिल्ली पुलिस से हूँ, समझ रही हो, ऑफ ड्यूटी हूँ, इंस्पेक्टर जी आए देखो। सॉरी आप समझ सकते हैं ना कि हम लोग? नहीं मैं नहीं समझ रहा, मैं इतनी देर से आपको प्यार समझा रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ये सिगरेट फेंक देती हूँ। तो फेंकनी तो आपको पड़ेगी। ठीक है, तो कहाँ फेंकोगी, घर फेंकता हूँ आपकी क्या? नहीं नहीं मैं अभी यहीं फेंको ना इसको। आई एम सॉरी, मैंने आपकी वहाँ से दूर से वीडियो बना ली है मैडम, इसके अंदर फ़ोन के अंदर, ठीक है, कि आप यहाँ पब्लिक प्लेस में जो है स्मोक कर रही हैं।
अगर एक आप मौका तो मिल मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप 500 रुपए देकर फाइन कटवाइए, अदरवाइज बाहर जो है जीप खड़ी है, मैं लेडी कांस्टेबल बुलाता हूँ, वो आपको खुद देख लेगी। तो ये परेशान करता है आपको, ये निकालने की कोई बुलेट नहीं है। थैंक यू सो मच। जी 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 हाँ, तो मैं आपको ऐसे नहीं करने वाला कि कुछ है। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं इस मौका, मैं कोशिश करूंगी। नहीं नहीं, आपको कल से जल्द छोड़ दूं। फाइन देना पड़ेगा मैडम, अदरवाइज आई एम कॉलिंग। देखिए सर, आपको वो करने की कोई जरूरत। हाँ हेलो जी, लेडी कांस्टेबल भेज दो अंदर पार्क के दो। जी सर, आपको उसकी मैडम आप जो है जी, आप लेडी कांस्टेबल से बात करना, जैसी बात करनी है वो कर लेंगे आपसे, ठीक है। देखिए सर प्लीज, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। आपकी सिगरेट अभी भी जल रही है। ये मैं आपको बिलीव दिलाती हूँ, ट्रस्ट मी, कि मैं ये सिगरेट स्मोक करना छोड़ दूंगी। और मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप छोड़ो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि पब्लिक प्लेस में मत पियो। हाय, मैं इतनी देर से आपसे स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट कर रहा था, तो आप मुझे उल्टा सीधा बोल रही थी। Really उसकी मैं भले इसकी पेनल्टी छोड़ दूंगा एक बार को 500 रुपए की, उसकी पेनल्टी मैं नहीं छोड़ूंगा मैडम। आप मुझे नहीं जानते, ठीक है। अभी क्या करना है आप बच्चे बताए? अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेडी कांस्टेबल आ रही हैं, वो खुद बात करेंगे आपसे। अब जैसा वो बोलेंगी, अब फाइन काटें या जैसे भी काटें, उनसे आप बात करना, ठीक है। देखिए सर, मैं मानती हूँ पब्लिक प्लेस पर हमें ये स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। कहाँ रह गई है? मानती हैं आप तो फिर क्यों पी रही हो? मानती हूँ तो। हाँ, तो मैंने आपको बोला ना, मैं आपको ट्रस्ट दिलाया ना कि मैं स्मोक। अच्छा, मैं आपके पीछे पीछे घूमता रहूंगा, है ना, कि ये मैडम पी रही नहीं पी रही? आपका ट्रस्ट क्या मतलब है? आप उससे मेरी जबान पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप ये, आपको जब इनका मतलब नहीं है, अंकल सो रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरी चॉइस है, तो आप क्या आप मुझे ट्रस्ट दिलाएंगे, बताइए। मैं आपसे ऑलरेडी सॉरी बोल चुकी हूँ कई बार, तो मैं उसके लिए सॉरी सॉरी आप बोला ना, जब आपको पता लग गया कि मैं इंस्पेक्टर हूँ या मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, तो उससे पहले तो आप मुझे डांट रहे थे। आ रही हैं कांस्टेबल जी, वही चाहेंगे आप, जो भी होगा। दो मिनट बैठ रहिए आप, मैं भेजता हूँ, बैठिए आप। ऐसा नहीं चलता मैडम, पब्लिक प्लेस में जो है अलाउ नहीं होता है, ठीक है, सिगरेट पीना या ये कुछ ड्रिंक करना, स्मोक करना। सर, मैं अपनी चीज़ें मान चुकी हूँ, अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, आपके सामने सिगरेट भी गिरा चुकी हूँ। आज के बाद नहीं पियेंगी आप? नहीं पीऊँगी। मतलब सिगरेट ही छोड़ देंगी या फिर पब्लिक प्लेस में नहीं पियेंगी? मैं कोशिश करूँगी कि जब तक पीऊँ पब्लिक प्लेस पे ना पीऊँ, अदरवाइज मैं सिगरेट को भी हाथ लगाना छोड़ दूँ। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई वांट। अब जा सकते हो, मैं किसी और को देखता हूँ। थैंक यू।